सो यहाँ पे हमने अपना प्रीवियस टॉपिक जो है वो कंक्लूड किया था, जिसमें हमने एक सिंपल जो है वो हाउस प्लान जिसमें हम वर्क करते आ रहे थे, उसमें हमने एक जो है वो एक रूफ सी डिज़ाइन कर ली थी, एक हमने उसकी विंडो को भी जो है वो डिज़ाइन कर लिया था। अगेन सिंपलेस्ट मेथड में हमने इसको किया था, अगेन हम वी कैन चेंज। सो इस टॉपिक के अंदर हम फाइनलाइज करते हैं, और इसकी ऑल्दो जब भी हमने रेंडरिंग करनी हो हम प्रेफर करते हैं 3ds Max को, उसके अंदर वीरे की इंस्टॉलेशन है। बट आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी आपको कैड के अंदर करनी पड़ सकती है या आप समझते हैं कि करनी चाहिए तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो टॉप व्यू के अंदर आ जाते हैं हम, और यहाँ से जो है हम एक रेक्टेंगल ड्रा करके सबसे पहले हम इसकी प्लेन ड्रा कर लेते हैं नीचे तक के रूफ और इसका ओवरऑल जिसके ऊपर हमारा ये रिलाई करेगा। किसी भी लेयर के अंदर हमने इसको सपोज इतने बड़ा एरिया, अब ये सराउंडिंग्स भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी कि हाउस के इस तरफ क्या है, अगर ग्रास है इस तरफ भी ग्रास है सपोज हम वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेते हैं EXT। सो हम इसको जितना भी करना चाह रहे हैं हम डिपेंड करता है। सो सपोज इसको हम -1 फीट ले जाएं तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो ग्राउंड नीचे लग चुकी है, इसके सराउंडिंग्स भी क्लियर हैं। तो इस पे जो है हम मटेरियल को अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सो ये हमारे पास मटेरियल्स हैं। सो मटेरियल्स में जिस तरह हम ऑलरेडी मेथड देख चुके हैं, हम यहाँ से डुप्लीकेट करके और ये हम कर लेते हैं ग्रास कोई भी हम, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एडिट। तो एडिट में जाएंगे तो यहाँ से हम इसकी ऑप्शंस को चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास ग्रास। अब अगेन ये जो है वो फोल्डर है जहाँ से हम ऑलरेडी मटेरियल्स अप्लाई करते आ रहे हैं। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल, आप कोई भी नेट से अगर आप समझते हैं, इवन इंटरनेट वेबसाइट्स में आप लिखें सिंपल मटीरियल 3D मटीरियल्स टेक्सचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे ग्रास की टाइप जो है यू कैन सेलेक्ट और ओपन करें। तो ये हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब ऑल वी नीड टू डू इज हम इसे सेलेक्ट करके और इधर से जो है वो असाइन टू सिलेक्शन कर लेते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास जो है वो नजर आ रही है, अगर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगेन मैं बताने का पर्पज ये है कि अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ORB ऑर्बिट की कमांड हम अप्लाई करके दोबारा देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर हम मजीद चाहते हैं कुछ और बेटर डिजाइन तो वी कैन इवन यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसा पहले बताया आपको ये हमारे पास थोड़ा सा लाइट उसमें आ रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास अप्लाई हो गया। सो डिपेंड्स कि हम इसको किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। अब वंस फॉर एग्जांपल यू आर फाइनलाइज विद योर प्लेन, आपने सराउंडिंग्स भी क्लियर कर ली, ORB ऑर्बिट की कमांड हम अप्लाई करते हैं। सो अगेन बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कुछ मजीद ज़्यादा लगाया ही नहीं है। सो ये हमारे पास जो है वो एक सिंपलेस्ट जो है वो हमारे साइड किसी भी साइड से हम अगर करना चाहें सपोज ये हमारी पास नजर आ रहा है। अब हम फाइनल सेटिंग्स में अगर देखें इसकी तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि हम कैमरा यहाँ से लगा सकते हैं किसी भी साइड से, अगर हम कैमरा को लिए लाइक आपने किया और ये उस कैमरा का व्यू है। बट इसमें जो प्रॉब्लम आती है कैमरा में वो ये होती है कि जब कैमरा लगाएंगे तो ये आपको नाइट व्यू में लेके चला जाएगा, और उसके बाद जब आप इसको रेंडर करेंगे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हम जो रेंडरिंग करें तो ये आप नोट करें तो अब नजर तो जरूर आ रही है बट इसका जो व्यू है वो डिस्टर्ब हो चुका है, नाइट व्यू में चली गई है। सो अगर तो आप चाहें तो आप यू कैन इवन इंस्टॉल मल्टीपल कैमराज, आप ज्यादा कैमराज भी लगा सकते हैं, एक कैमरा भी लगा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं कैमरा यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। सो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन भी मौजूद हैं, ये सनलाइट सन स्टेटस है, इससे पहले हम ये हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद हैं, ये हम जैसे सन के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक्सपोजर है, इसको 100% आप ले जाएंगे तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और अगर हम इसको सपोज ये वाला व्यू यहाँ पे आपको बेटर लग रहा है तो हम ये वाला यहाँ पे रख लेते हैं। अगर हम मजीद समझते हैं नहीं ग्रास अभी रिफ्लेक्शंस यहाँ पे ठीक आ रही हैं, सो जो भी हमें सूट कर।